हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो NCL हो, CIL हो, या फिर SSC, बैंक, रेलवे, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। एंड हाँ, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ 25 क्वेश्चन के सेट को, 20 क्वेश्चन के सेट को, 15 क्वेश्चन के सेट का, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शन है भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, गजल टाइम्स, या फिर बंगाल गजट। तो ये आपके आंसर सही हो जाएगा, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में टेलीग्राम वर्ष 1854 में कलकत्ता से कहाँ तक शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है मुंबई, आगरा, गुजरात, या दिल्ली। तो आपका आगरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, या कावेरी। तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनमें से कौन सा भारत की पहला चलचित्र है? आपके ऑप्शन है आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, अलिफ लैला, या फिर हातिम टाई। तो आपके आंसर हो जाएंगे राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पहला सिनेमा घर का निर्माण कलकत्ता में किस वर्ष JF मदन के द्वारा कराया गया था? आपके ऑप्शन है 1903, 1905, 1907, या 1909। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 1967 में उमा शंकर जोशी को किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, बंगाली, या फिर पंजाबी। तो आपके आंसर हो जाएंगे हिंदी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस वर्ष अपने कार्य की शुरुआत की थी? आपके आंसर ऑप्शन है 1907, 1911, 1912, या फिर 1925। तो आंसर हो जाएगा 1912, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्डरिया बड़ी शताम किस धर्म या समाज का पर्व है? आपके ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, या बौद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर 4। नौवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? आपके ऑप्शन है खेल मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर रक्षा मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 4। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किसने फिल्म राजा हरिश्चंद्र का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले किया था? आपके ऑप्शन है R. रहमान, या फिर डेविड धवन, या दादा साहेब फाल्के, या फिर अन्ना सालूके। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे दादा साहेब फाल्के, यानी कि 3। इसीलिए इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बात करें तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फिल्म भारत पहली बोलती फिल्म है? आपके ऑप्शन है आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, अलिफ लैला, या फिर हातिम टाई। तो आपके आंसर हो जाएगा आलम आरा, ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1930, 31, 1936, या फिर 1939। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1931, ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से किस वर्ष पहली बार भारत के संविधान में संशोधन हुआ था? आपके आंसर ऑप्शन है 1950, 1960, 1970, या 1980। तो आपके आंसर हो जाएगा 1950, यानी ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्यभट्ट इनमें से क्या है? आपके ऑप्शन है भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है, भारत की पहली रंगीन फिल्म का नाम है, इसरो के पहले वैज्ञानिक का नाम है, या फिर भारत की खोज करने वाले का नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट सैटेलाइट थी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 15, तो इसमें पूछ रहा है भारत में पहली बार कब छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस किस वर्ष शुरू किया गया था? 1950, 1952, 1954, या 1956। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1956, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और पिछले वीडियो में मैंने 25 सुपर 25 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।